CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है नवीं कक्षा के लिए उर्दू की सहायक पाठ्य पुस्तक गुलजारे उर्दू भाग एक। पेश है नवीं जमात के लिए उर्दू की मुआविन दर्सी किताब गुलजारे उर्दू। अब प्रस्तुत है गुलजारे उर्दू भाग एक का आठवां पाठ। नासिर रजा काजमी, सफा 19, तारुफे शायर। नासिर रजा काजमी, पैदाइश 1985, इंतकाल 1972। नासिर रजा काजमी नाम, नासिर तखल्लुस था। उनकी पैदाइश अंबाला में हुई। 47 बरस की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। उनकी गजलों के शेरी मजमुए बरगे ने 1954 में और दीवान 1957 में शाये हुए। तीसरा मजमुआ पहली बारिश इंतकाल के बाद 1975 में शाये हुआ। उनकी दो नसरी किताबें भी हैं, एक उनकी डायरियों का मजमुआ नासिर काजमी की डायरी और दूसरा उनके मजामीन का मजमुआ खुश्क चश्मे के किनारे। वो औराक़े नौ और हुमायूं के मुदीर भी रहे। नासिर काजमी जदीद गज़ल के नुमाइंदा शायर हैं। उनकी गज़लें अपने धीमे लहजे, दबे दबे दर्द और जदीद तर्ज एहसास की वजह से मुमताज़ हैं। वो अक्सर ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं जो गज़लिया शायरी में आम नहीं थे। नासिर काजमी के कलाम में बेहद ताजगी है। उन्होंने उर्दू गज़ल की दाखिलियत और दरों बीनी को अपने अहद की आम उदासी का तर्जुमान बनाया है। सफ़ा 20। गज़ल गो शायर नासिर काजमी की गज़ल। अब पेश है नासिर काजमी की गजल। तेरे ख्याल से लौटते उठी है तन्हाई, तेरे ख्याल से लौटते उठी है तन्हाई, शबे फिराक है या तेरी जलवा आराई, शबे फिराक है या तेरी जलवा आराई। तू किस ख्याल में है मंजिलों के शैदाई, तू किस ख्याल में है मंजिलों के शैदाई, उन्हें भी देख जिन्हें रास्ते में नींद आई, उन्हें भी देख जिन्हें रास्ते में नींद आई। रहे हयात में कुछ मरहले तो देख लिए, रहे हयात में कुछ मरहले तो देख लिए, ये और बात तेरी आरजू नाराज आई, ये और बात तेरी आरजू नाराज आई। ये सानहा भी मोहब्बत में बारहा गुजरा, ये सानहा भी मोहब्बत में बारहा गुजरा, कि उसने हाल भी पूछा तो आंख भर आई, कि उसने हाल भी पूछा तो आंख भर आई। खुली जो आंख तो कुछ और ही समा देखा, खुली जो आंख तो कुछ और ही समा देखा, वो लोग थे ना वो जलसे ना शहरे रानाई, वो लोग थे ना वो जलसे ना शहरे रानाई। फिर उसकी याद में दिल बेकरार है नासिर, फिर उसकी याद में दिल बेकरार है नासिर, बिछड़ के जिससे हुई शहर शहर रुसवाई, बिछड़ के जिससे हुई शहर शहर रुसवाई। नासिर काजमी। मश्क, सवालों के जवाब लिखिए। सवाल नंबर एक,
منزلوں کے شیدائی کے لیے شاعر کا کیا مشورہ ہے؟ سوال نمبر دو، درج ذیل شعر میں شاعر نے کس لطیف احساس کی عکاسی کی ہے؟ یہ سانحہ بھی محبت میں بارہا گزرا، کہ اس نے حال بھی پوچھا تو آنکھ بھر آئی۔ سوال نمبر تین، آنکھ کھلنے کے بعد شاعر نے کیا سما دیکھا؟ اسی کے ساتھ یہ سبق ختم ہوا۔ گلزار اردو بھاگ ایک کا آٹھواں پاٹھ یہاں سماپت ہوا۔ اس کے بعد پاٹھ نو آتا ہے۔ پرستتی CIET NCERT